कुछ चीज़ें सैंक्शन हुई, कुछ चीज़ें इस बजट में मैंने ली हैं। पूरे क्षेत्र में रोड्स की हालत तो ख़राब ही है। रोड बनाया, ऊपर इतना बना दिया, वो पूरा सब कुछ नीचे चला गया। ये सब चीज़ें अब करेंगे हम लोग, तो पूरी तरह से ध्यान दिया है इस पर। इस बार इसलिए मैंने कहा कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल ही जयपुर का क्या, पूरे राजस्थान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बचाया 5 साल में, जो हम लोग छोड़ के गए थे हमारी सरकार, उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया। उस पर पूरी तरह से ध्यान देकर हम लोगों ने इस बार किया है प्रोविजन। लेकिन बहुत ही दुखद घटना हुई है, परिवार को संवेदना, और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो बारिश भी इस बार मुआवजा बिल्कुल इनको दे रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, तो बिल्कुल इनको मुआवजा जितना हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने का प्रयास करें। कमोवेश सारी बिल्डिंगों में बेसमेंट में तो मैम इसको लेकर भी कोई सभी अधिकार। देखिए ऐसा है कि ये बहुत पहले से बने हुए हैं, हम लोग इसमें डेफिनेटली यहाँ जैसे ड्रेनेज और सड़क का हम लोग करेंगे, उसके बाद जो यहाँ अंदर बने हुए हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि जो भी हो सकेगा वो थोड़ा बेटर हो इनका, क्योंकि ये नीचे तक है और कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि अलाउड नहीं थी, फिर भी उस समय हो गया। अब जो हो गया उसको क्या कर सकते हैं बेस्ट, वो सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ नहीं वो भी है, उसमें ही मैं बोल रही हूँ कि अभी जो भी बेस्ट हो सकेगा इनको रीएलोकेट करना, या इनको यहीं पर ही स्थापित ठीक से करना, इनके लिए क्या हम लोग हाउसिंग के अरेंजमेंट कर सकते हैं, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। पर वो क्या है कि इनके पार्टिसिपेशन से, इनके सहयोग से ही पॉसिबल हो। मैम दिल्ली की घटना बेसमेंट में, फिर जयपुर वो अलग चीज़ है। अभियान देखिए राजस्थान में तो हम लोगों ने इसी बजट में सैंक्शन कर दिया, जो अलग अलग जहाँ जहाँ से ये समस्या आई है, इंक्लूडिंग ये एरिया। और दिल्ली में जो हुआ वो तो एक लापरवाही की वजह से हुआ, वो तो एमसीडी ने समय पर जो उनको करना चाहिए था, सफाई करनी चाहिए थी, प्रेपरेशन करनी चाहिए थी, नहीं की। यहाँ जो है वो नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उचित नहीं है। अब हमारी तो जैसी सरकार आई, मैंने जैसा आपको बताया उसी समय हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी, बीच में आचार संहिता आई उस समय थोड़ा रुक गया, जैसे ही वो हटी हम लोगों ने कुछ काम, तो आपने देखा सीकर रोड पे जो पानी भराव की समस्या है उसमें तो हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया, बहुत सारे रोड्स के काम चल रहे हैं। लेकिन अब मानसून में आप नहीं कर सकते, मानसून की वेट कर रहे हैं, जैसे ही मानसून हो जाएगा रोड्स को सैंक्शन भी कर दिया और नाली भी की है। हाँ मैं बोल रही हूँ सुनो, जैसे ये जो घटना हुई है इस तरह से अगर आप देखें तो विद्यानगर इलाके में काफी ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो कच्ची बस्ती से जुड़ी हुई है, वो इस तरह की करेंगे इनको, इन लोगों को भी कैसे हम लोग अच्छी तरह से इनका कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है, इनको इनसे बातचीत करके इनको कहाँ पर हम लोग और अल्टरनेट स्पेस दे सकते हैं, या जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ भी क्या बेटर हो सकता है, इसका भी काफी सवाल है कि इसमें करंट से मौत हुई या पानी में डूबने से। ये तो अभी अभी पूरी जांच हो रही है, ये जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और देखिए दिया कुमारी को आपने सुना, जो खुद घटनास्थल पर पहुंची है, पूरे मामले को लेकर जानकारी उनके द्वारा खुद ली जा रही है। हालांकि पानी में डूबने से मौत हुई है या करंट की वजह से मौत हुई है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है, और आगे इस पर क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे परिस्थितियों को सुधारा जा सकता है, इसको लेकर दिया कुमारी ने कहा है कि आवश्यक कदम आगे उठाए जाएंगे। हालांकि पूरा प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है कि तीन मासूम लोग जिनकी जान चली गई इस पूरे घटना में, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी पूरे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और इस सुनिश्चित किया जाए कि आगे इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के अंदर भी मासूमों की जान चली गई थी, वही बेसमेंट में वो मौजूद थे, डूबने से उनकी मौत हुई, और वही तस्वीर राजधानी जयपुर में भी देखने को मिली है। मेरे साथ सहयोगी दिनेश कसाना लगातार मौके से बने हुए हैं। दिनेश अभी आपने बात की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कठोर कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी और आगे से भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। देखिए घटना स्थल पर पहुंची हुई है दिया कुमारी, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रही है, बातचीत कर रही है किस तरह यह घटना रही और आगे किस तरह से इसमें भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, उसके
लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की, और इसके साथ ही जो जगह है जहां पर जिस मकान में ये डेथ हुई है उसको भी यहां पर मौके पर आकर उन्होंने देखा है, साथ ही लोगों से चर्चा कर रही है। चूंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया है और इसी इलाके में चूंकि जल भराव की समस्या भी रहती है, तो ऐसे में यहाँ पर भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर चर्चा कर रही है। जिला कलेक्टर से भी उन्होंने चर्चा की, इसके साथ ही कुछ देर पहले जब फसलें अभी उससे खास बातचीत की तो मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, साथ ही मदद का भरोसा दिलाया कि जो मृतक हैं उनके परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद है वो सरकार की ओर से की जाएगी, और ऐसी जो जगह है जिनके जहाँ जल भराव की समस्या आमतौर पर रहती है उन जगहों पर भविष्य में क्या प्लानिंग की जा सकती है। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि सीकर रोड हो या फिर और दूसरी कॉलोनियां हैं जिनका उन्होंने पहले भी विजिट किया था, और जल भराव से निपटने और ड्रेनेज सिस्टम के संबंध में उन्होंने डायरेक्शन दिए थे, बजट एलोकेट किया है, तो ऐसे में भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी, और फिलहाल जिला कलेक्टर से वो चर्चा कर रही है और यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उनको लेकर स्थानीय लोगों ने उनको अवगत कराया, उनके संबंध में जिला कलेक्टर को निर्देश भी दे रही है। बिल्कुल, और देखिए किस तरह से लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है वहां पर, और क्या कुछ तस्वीरें दिनेश अभी वहां से देखने को मिल रही है क्योंकि शवों को बाहर लाया गया है, एसएमएस अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है, लेकिन कई मिक्स्ड रिएक्शन उसके बाद देखने को मिल रहे होंगे। स्थानीय जो लोग हैं उनमें आक्रोश जरूर है इस बात को लेकर कि जो घटना हुई पूरी तरह से लापरवाही एक तरह से प्रशासन की कह सकते हैं, चूंकि नीचे में ये मकान बना हुआ था और बेसमेंट में रह रहे थे, और हाल ही में दिल्ली में जो घटना हुई, हालांकि रिया कुमार ने कहा कि दिल्ली की घटना अलग थी, वहां प्रशासनिक लापरवाही थी, लेकिन यहाँ पर जो घटना हुई है उसकी अभी जांच हो रही है कि जो डेथ हुई है वो पानी भरने से हुई है या फिर करंट से हुई है, क्योंकि पानी भरने के बाद जो पूरे मकान में करंट आया था लाइट से, तो ऐसे में इसकी जांच फिलहाल हो रही है। इससे पहले फिलहाल घटनास्थल पर यहाँ पर लोगों से मुलाकात मिल रही है और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर रही है, इससे पहले कांवटिया अस्पताल भी दिया कुमारी पहुंची थी, वहां पर मृतकों तीन मृतक जिनकी पानी भरने से बेसमेंट में मौत हुई थी, तो तीनों का पोस्टमार्टम भी कांवटिया हॉस्पिटल में हो रहा है, वहां पर दिया कुमारी पहुंची थी और वहां पर भी परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची है, चूंकि विधानसभा क्षेत्र का एरिया है और ऐसी घटना भविष्य में ना हो इस दिशा में किस तरह से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, और ये भी कहा है कि ये चूंकि ये कॉलोनी जो है वो पूरी तरह से अवैध कॉलोनी है, इकोलॉजिकल जोन का पार्ट है, और ऐसे में इस पर सरकार क्या एक्शन ले सकती है, ये लिविंग एरिया नहीं रह सकता, ऐसे में यहाँ से एक बड़ा चैलेंज होने वाला है दिनेश प्रशासन के लिए भी, क्योंकि न जाने ऐसे कितने बेसमेंट बने हुए हैं और उन पर ध्यान देना एक बड़ा चैलेंज होगा, और देखना होगा कि इस चैलेंज को सरकार के द्वारा भी किस तरह से पूरा किया जाता है। आगे भी अपडेट आपसे दिनेश लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।